ये है मत्तर। कर्नाटका के शिमोगा के पास एक छोटा सा गांव जिसकी हिस्ट्री बहुत ही यूनिक है। 600 साल पहले केरला में एक कम्युनिटी थी जिसका नाम था संकेतीस, और ये संकेतीस केरला से मत्तूर आए थे। मत्तूर का गांव यूनिक इसलिए है क्योंकि शायद अकेला एरिया है पूरे इंडिया में जहां लोग आज भी संस्कृत बोलते हैं। रात्रो वृक्षः प्रतितः प्रतिगम्यताम्। वंडरफुल। 1983 में एक पैगंबर या फिर साधु इस गांव में आए थे और उन्होंने देखा कि इस गांव में लोग कितने एक्साइटेड हैं संस्कृत बोलने के लिए। ना वो संस्कृत ना नम धर्मा नम संस्कृति स्वीकार कर लीजिए। जब उन्होंने गांव वालों को सजेस्ट किया कि क्यों ना हम सभी को संस्कृत सिखाएं इस गांव में, सारे गांव वाले इस चीज को मान गए। उस दिन के बाद चाहे बच्चे या फिर बुजुर्ग, सब लोग संस्कृत में बात करते हैं। जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको 10 साल की उम्र के बाद वेदास पढ़ाई जाती है। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप जैसे इस गांव की बॉर्डर क्रॉस करते हो तो उस गांव की बाउंड्री के साथ साथ संस्कृत की बाउंड्री भी स्टार्ट हो जाती है। 2nd century BC में संस्कृत इंडिया में सबसे पॉपुलर लैंग्वेजेस में से एक थी, पर आज संस्कृत मानो खत्म सी ही हो गई है। पूरे देश में बस करीब 25,000 लोग हैं जो संस्कृत को अपनी मातृभाषा मानते हैं। 1857 में एक गुजराती पोएट दलपत राम दयाभाई ने संस्कृत की मृत्यु के बारे में एक पोएम लिखी थी, पर आज हम इसी चीज के बारे में बात करना चाहते हैं कि संस्कृत की इंडिया में मृत्यु हुई कैसे। जहाँ तक हम जानते हैं संस्कृत करीब 3500 साल पुरानी भाषा है। सबसे पुरानी संस्कृत हमें ऋग्वेदा में मिल सकती है, इसको बुलाया जाता है वैदिक संस्कृत। पर इंटरेस्टिंग बात है कि संस्कृत के सबसे पहले इंस्क्रिप्शंस हमें इंडिया में नहीं मिले बल्कि सीरिया में मिले। 1500 और 1350 BC के बीच इराक और टर्की पर एक मित्तनी डायनेस्टी रूल करती थी। अब जहाँ मित्तनीज एक भाषा बोलते थे जिसका नाम था हुरियन, हर मित्तनी राजा और समाज के एलीट लोगों के पास एक संस्कृत नाम भी होता था। वो उन भगवान की भी पूजा करते थे जिनका जिक्र ऋग्वेदा में था, और घोड़ों की ट्रेनिंग के बारे में जो किताब लिखी गई थी उसमें भी कई संस्कृत शब्द यूज करे गए थे। कुछ लोगों का मानना है कि जब ये लोग इंडिया आए वो अपने साथ साथ ये संस्कृत भाषा भी लेकर आए। इंडिया आने के बाद रिलीजन के बारे में किताबें लिखने के लिए संस्कृत को यूज किया गया, और वैदिक संस्कृत के बाद आई क्लासिकल संस्कृत। इस समय संस्कृत के जो रूल्स थे वो और बनाए गए ताकि संस्कृत धार्मिक किताबें लिखने के लिए यूज करी जाए। जैसे एक एंशियंट स्कॉलर पनिनी ने क्लासिकल संस्कृत के रूल्स डेवलप करे अपनी किताब अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी में स्पोकन संस्कृत और रिटन संस्कृत के अलग अलग रूल्स बनाए गए। उसके बाद वैदिक लिटरेचर और उपनिषद भी इसी क्लासिकल संस्कृत में लिखी गई। पर ये संस्कृत भाषा पूरा समाज यूज नहीं करता था बल्कि समाज में बस अपर कास्ट लोग ही यूज करते थे। पर ये चेंज हुआ जब हमारे समाज में प्राकृत भाषाएं आई। 3rd century BC के आसपास संस्कृत मिक्स होने लगी कई लोकल लैंग्वेजेस के साथ, जिसकी वजह से बनी नई भाषाएं जिनको कहा जाता है प्राकृत भाषाएं। प्राकृत भाषाएं कई लोग यूज करते थे एक दूसरे से बात करने के लिए। तो जहां वैदिक या फिर क्लासिकल संस्कृत का मेन पर्पस था किताबें लिखने का, प्राकृत भाषा का मेन पर्पस हो गया एक दूसरे से बात करने का। और इन भाषाओं का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था जैनिज्म और बुद्धिज्म के रिलीजन्स पर। जैसे एक पॉपुलर प्राकृत भाषा थी पाली जो बुद्धिज्म की भाषा बन गई, जबकि अर्ध मगधी जो एक दूसरी प्राकृत भाषा थी वो जैनिज्म में यूज आने लगी। अब इसके बावजूद कि प्राकृत भाषाओं को कई लोग बोलते थे, पर वैदिक या फिर क्लासिकल संस्कृत के कंपैरिजन से प्राकृत भाषाओं को एक नीचे का दर्जा ही दिया गया, क्योंकि इन भाषाओं को कई महिलाएं और लोअर कास्ट समाज के लोग यूज करते थे। प्राकृत भाषाओं के बावजूद 13th century में संस्कृत और उसका लिटरेचर धीरे धीरे थमने लगा। संस्कृत की मृत्यु होने लगी 3 कारणों की वजह से। पहला कारण था कश्मीर। करीब 900 साल पहले कश्मीर में एक बहुत स्पेशल मीटिंग हो रही थी। उस मीटिंग में थे उस जमाने के सबसे स्मार्टेस्ट लोग, 30 से ज्यादा फिलोसोफर, थियोलॉजिस्ट, एम्बेसडर्स, फिजिशियंस और आर्किटेक्ट्स अलंकारा के घर में मिले थे। अलंकारा कश्मीरी रॉयल कोर्ट में एक ऑफिशियल होते थे, और वो सब मिले थे अलंकारा के भाई मंखा की पोएट्री सुनने के लिए, क्योंकि मंखा ने रिसेंटली कंप्लीट करी थी एक पॉपुलर पोएम जिसको कहा जाता है श्रीकंत करिता। गेस्ट मंखा की आवाज में उनकी पोएट्री सुनने आए थे। ये मानो संस्कृत में एक बहुत बड़ा लिटरेरी इवेंट था, पर अनफॉर्चुनेटली ये कश्मीर में शायद आखिरी ऐसा इवेंट था। 50 साल के अंदर संस्कृत का ये कल्चर पूरी तरह नष्ट हो गया। ऐसा हुआ क्यों?
मेनली पॉलिटिक्स की वजह से। सदियों पहले कश्मीर संस्कृत लिटरेचर का एक हब होता था। 7वीं और 13वीं सदी के बीच कश्मीर में कई हिंदू रूलर्स थे और उन्होंने कई स्कॉलर्स, पोएट्स और फिलोसोफर्स को बढ़ावा दिया जो संस्कृत में लिखते थे। इन 600 सालों के दौरान कई रिलीजियस टेक्स्ट्स और पोएट्री लिखी गई थी कश्मीर में। जैसे एक एग्जाम्पल ऐसी पॉपुलर पोएम का है रजत रंगिनी, जो कश्मीर के इतिहास और रॉयल डायनेस्टीज के बारे में लिखी गई थी। ये पोएम बताती है कि कैसे संस्कृत कश्मीर के कल्चर की मेन भाषा थी और कैसे कई इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स क्रिएट हुई 1500 साल के लिए संस्कृत के द्वारा। अब जहाँ कश्मीर के लिटरेचर में संस्कृत की तारीफ हो रही थी, पॉलिटिकल फ्रंट में कुछ और चल रहा था। कश्मीर वैली के आखिरी रूलर्स में से एक थे हर्ष, जो थे लोहार डायनेस्टी से। रजत रंगिनी में बताया गया कि हर्ष ऐसे राजा थे जिनका अपने खर्चों पर कोई कंट्रोल नहीं था। उनके रूल के स्टार्टिंग में कश्मीर की इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही थी, पर कुछ सालों के अंदर ही ये सिचुएशन पूरी तरह बदल गई। सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि सरकार को पैसा कमाने के लिए कूड़े पर भी टैक्स लगाना पड़ा। जब हर्षा को एक मंदिर में खजाना मिला तो उन्होंने कई बुद्धिस्ट और हिंदू मंदिरों को डिस्ट्रॉय कर दिया। वो इन मंदिरों से चीजें लूटने लग गए और वो भगवान की मूर्तियों को भी पिघलाने लग गए ताकि उन मूर्तियों से उनको सोना और दूसरे जेवर मिल सके। ऐसी चीजों की वजह से लोगों में गुस्सा आ गया और एक सिविल वॉर स्टार्ट हो गई। इसी समय कश्मीर के जो जमींदार थे उनकी पावर और बढ़ती गई। वो तंग आ गए थे अपने राजा से, क्योंकि एक तो जमींदारों पर टैक्स बढ़ा दिया गया था और दूसरा कि उनका राजा उनके कल्चर को डिस्ट्रॉय कर रहा था। इसी वजह से जब हर्ष भागने की कोशिश कर रहा था तब कश्मीर के जमींदारों ने उनको मार गिराया। हर्ष की मृत्यु के बाद अगले 10 सालों तक लोहार डायनेस्टी ने फिर राज किया, पर कुछ टाइम बाद ये भी चेंज हो गया जब शाह मीर, जो ईरान से आए थे, वो कश्मीर के रूलर बन गए। अब एक नई डायनेस्टी के साथ कई चेंजेस हुई एडमिनिस्ट्रेशन में, पॉलिटिक्स में और कल्चर में। 14th सेंचुरी में इस्लाम धीरे धीरे कश्मीर का मेन रिलीजन बन गया और संस्कृत की बजाय फारसी एक पॉपुलर लैंग्वेज हो गई। इसी के साथ संस्कृत लिटरेचर कश्मीर से दूर चले गया। अब यह हो रहा था इंडिया के नॉर्थ पार्ट में। साउथ पार्ट में सिचुएशन थोड़ी अलग थी। 14th और 16th सेंचुरी के बीच विजयनगर एम्पायर सदर्न इंडिया के कई भागों पर रूल कर रहा था। इस एम्पायर की कैपिटल सिटी जिसका नाम था विजयनगर, वो नॉलेज के लिए मानी जाती थी। उस एम्पायर में कई भाषाएं बोली जाती थी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल और संस्कृत। इनफैक्ट एलीट लोगों के लिए संस्कृत जानना बहुत जरूरी माना जाता था। अब जहाँ महाराजा के रॉयल कोर्ट में कई स्कॉलर्स थे जो संस्कृत बोलते थे, पर कॉमन लोग कन्नड़, तेलुगु और तमिल जैसी भाषाएं यूज करते थे, और ये एलिटिज्म ही संस्कृत की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई। जैसे उस समय के सबसे फेमस महाराजाओं में से एक माने जाते थे कृष्णदेव आर्य, और ये माना जाता था कि वो संस्कृत में एक एक्सपर्ट थे। पर इससे एक प्रॉब्लम भी क्रिएट हुई। सभी लोग ये मानने लग गए थे कि अगर कोई संस्कृत में काम राजा ने किया है तो वो बेहतर होगा ही होगा किसी और के काम से। ऐसी छोटी छोटी चीजों की वजह से ही संस्कृत कई लोग नहीं बोलते थे, बल्कि संस्कृत एक भाषा हो गई बस समाज के टॉप के लोगों की। वो ये मानते थे कि वो संस्कृत बोलते हैं इसलिए वो कूल है। फिर एक और प्रॉब्लम थी कि संस्कृत भाषा में कई रूल्स थे। इन रूल्स की वजह से ही आम लोग संस्कृत को यूज नहीं कर सकते थे एक दूसरे से बात करने के लिए। इसी वजह से जहाँ वो लोग कन्नड़, तेलुगु और तमिल बोलते थे, संस्कृत का यूज कम होते गया। फिर फाइनली जब 1565 में विजयनगर एम्पायर गिर गया, इस एम्पायर के साथ साथ संस्कृत की इम्पोर्टेंस भी गिर गई। अब क्योंकि तमिल, कन्नड़ और तेलुगु आम लोग बोलते थे, इन भाषाओं की मृत्यु नहीं हुई, जबकि क्योंकि संस्कृत बस समाज के टॉप क्लास लोग ही बोलते थे, जब एम्पायर गिरा तो ये टॉप क्लास समाज भी गिर गया और इसी वजह से संस्कृत भी गिर गई। संस्कृत की एजुकेशन बस ब्राह्मण्स के लिए ही थी। इनफैक्ट मनुस्मृति, जो एक एंशियंट हिंदू टेक्स्ट है, उसमें लिखा गया है कि अगर एक शूद्र जाति का व्यक्ति वेदास को सुनेगा जिनको संस्कृत में लिखा गया है, तो उनके कानों में जलता हुआ लेड या फिर लाख गिरा देना चाहिए। इस भेदभाव को हम मथुर में भी देख सकते हैं। 2013 में मथुर में पहली इंटरकल्चरल शादी हुई, जब एक गांव वाले ने एक नॉर्थ इंडियन महिला के साथ शादी करी। उस समय तक उस गांव में जो भी शादियां हुई वो दूसरे संकेती ब्राह्मण के साथ हुई, पर इस शादी के बाद गांव के कई लोगों ने उस परिवार से बात करना बंद कर दिया और उनके घर जाना भी बंद कर दिया। मथुर के नौजवान ने ये भी बताया कि कई बार उनको शर्मिंदा किया गया जब वो दूसरे जाति के दोस्तों को अपने घर लेकर आते। अब इस वीडियो में हमने विजयनगर एम्पायर के बारे में ज्यादा डिटेल में बात नहीं करी, पर इस एम्पायर का
कंट्रीब्यूशन इंडिया के इतिहास में बहुत बड़ा है। अगर आप इस एम्पायर के बारे में और जानना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा ये ऑडियो बुक विजयनगर एम्पायर के बारे में, जिसको आप सुन सकते हैं कुकू एफएम ऐप पर। इस ऑडियो बुक में 14 सेंचुरी के बाद विजयनगर में कौन कौन से किंग्स आए उनके बारे में बताया जाता है। इस ऑडियो बुक में 11 एपिसोड्स हैं जिनको आप करीब 1.5 घंटों में पूरी तरह सुन सकते हो। इसके अलावा कुकू एफएम में कई और बेस्ट सेलर्स हैं जिनको आप सोने से पहले या फिर ड्राइव करते हुए सुन सकते हो। इस ऐप के नोट्स फीचर को यूज करके आप चैप्टर नोट्स भी बना सकते हो। कुकू एफएम पर आपको अलग अलग तरीकों का ओरिजिनल कॉन्टेंट भी मिलेगा और आपको एनुअल प्लान पर 50% डिस्काउंट भी मिल सकता है अगर आप ये कूपन कोड MOHAK50 यूज करोगे। तो उस ऐप को चेकआउट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब 16वीं सदी के बाद संस्कृत का यूज पूरे इंडिया में बहुत कम हो गया और कुछ सालों बाद इंडिया पर रूल करने लगे अंग्रेज, जिनके साथ ये सिलसिला चलता रहा। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई भी संस्कृत बोलता नहीं था हमारे देश में। इनफैक्ट 1830 में अंग्रेजों ने बंगाल में एक सेंसस किया था जहाँ उनको मिले 350 से ज्यादा संस्कृत स्कूल्स, जहाँ 2500 से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते थे। पर प्रॉब्लम थी कि ये सारे स्टूडेंट्स ब्राह्मण थे। पर इसके बावजूद 18 तो 19 सेंचुरी में कई हिंदू रूलर्स संस्कृत लिटरेचर के बारे में सोच रहे थे, पर ये लिटरेचर महाराजाओं के घर तक ही सीमित था। उनके महल के बाहर किसी को भी संस्कृत लिटरेचर के बारे में इतनी जानकारी थी ही नहीं। दूसरी तरफ कई प्राकृत भाषाएं आम लोग भी यूज करते थे, इसी वजह से आज की कई इंडियन लैंग्वेजेस इन्हीं प्राकृत भाषाओं से इन्फ्लुएंस्ड है। जबकि अगर हम संस्कृत की बात करें तो ये भाषा बस 25,000 इंडियंस की मातृभाषा ही है। अब कई सरकारों ने ट्राई जरूर किया कि संस्कृत को बढ़ावा दिया जाए, पर उन्होंने जो कदम उठाए वो मोस्टली सिम्बॉलिक ही थे। जैसे 1969 में पहला संस्कृत दिवस सेलिब्रेट किया गया, 2014 में बीजेपी सरकार ने अनाउंस किया कि 7 से 13 अगस्त संस्कृत वीक की तरह सेलिब्रेट किया जाए। उत्तराखंड ने तो संस्कृत को अपना एक ऑफिशियल लैंग्वेज भी बना दिया, इसके बावजूद कि पूरे राज्य में बहुत कम ही लोग ये भाषा यूज करते हैं। पर सवाल ये उठता है कि क्या हम इस भाषा को रिवाइव कर भी सकते हैं? हाँ, हम कर सकते हैं। संस्कृत कोई पहली डेड भाषा नहीं है जिसको रिवाइव करने की कोशिश करी जा रही है। हिब्रू एक ऐसी भाषा है जिसको सक्सेसफुली रिवाइव किया गया है। संस्कृत की तरह हिब्रू भी एक ऐसी भाषा थी जो रिलीजन के लिए ही मोस्टली यूज करी जाती थी जूश लोगों के बीच। 19th और 20th सेंचुरी के बीच जूस हिब्रू को यूज नहीं करते थे एक दूसरे से बात करने के लिए। 1880s में जेरूसलम और पैलेस्टीन में भी जूस डिफरेंट भाषा यूज करते थे पर हिब्रू नहीं। पर 1880s में एलीजर बेन याहूदा ने डिसाइड किया कि वो हिब्रू को वापस एक जन्म देंगे और इस चीज के लिए उन्होंने 7 स्टेप्स डिसाइड करे। पहला रूल उन्होंने बनाया कि वो अपने परिवार के साथ बस हिब्रू में ही बात करेंगे। दूसरा रूल उन्होंने बनाया कि क्योंकि वो कुछ अखबारों के एडिटर्स थे जिसको दुनिया भर के जूस पढ़ते थे, तो उन्होंने कहा कि वो अपने अखबारों के जरिए लोगों को बोलेंगे हिब्रू यूज करने के लिए। उसके अलावा उन्होंने कई सोसाइटीज बनाई जहां उन्होंने कहा कि लोग बस हिब्रू में ही बात कर सकते हैं। फिर 1882 में कुछ स्कूल्स में उन्होंने कहा कि हिब्रू को यूज करना चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए। इन चीजों की वजह से ही जब इसराइल ऑफिशियली बना 1948 में, इसराइल की ऑफिशियल लैंग्वेज हिब्रू बनाई गई। इस सक्सेस के पीछे एक मेजर कारण था कि हिब्रू ने सारे जूस को यूनाइट कर दिया। हिब्रू एक नई भाषा बन गई एक नए देश के लिए। अब ये करना एक नए देश के लिए तो बहुत आसान है, पर इंडिया जैसे देश के लिए जहाँ लोग डिफरेंट भाषाएं यूज करते हैं, ये चीज करना इतना आसान नहीं है। पर अगर हम संस्कृत को रिवाइव कर भी सकते हैं, एक क्वेश्चन जो हमें सोचना चाहिए वो है कि इससे हमारा फायदा होगा या फिर नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा फायदा होगा। अब चाहे संस्कृत के इतिहास में बहुत भेदभाव हुआ हो, पर संस्कृत की भाषा के जरिए हम अपने इतिहास और कल्चर के बारे में बहुत सीख सकते हैं। जैसे मैं अपने परिवार के साथ कई पूजाओं में बैठता हूँ, पर मुझे कुछ आइडिया नहीं होता है कि पंडित बोल क्या रहे। जब मेरी खुद की शादी हुई तो अपनी शादी में मैं एक सेरेमनी में बैठा था जहाँ मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि मेरी शादी के बारे में क्या बोला जा रहा है। तो अगर हम संस्कृत भाषा नहीं जानेंगे, हम अपने रिलीजन और कल्चर से भी तो दूर जा रहे हैं। वहीं दूसरे लोग कहते हैं कि एक लैंग्वेज को रिवाइव तो हम कर सकते हैं, पर उसकी एक कॉस्ट होगी, चाहे वो फाइनेंशियल कॉस्ट हो। पर एक और जरूरी कॉस्ट है कि हम जब भी एक लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं, उसका परिणाम ये भी हो सकता है कि हमें दूसरी लैंग्वेजेस का महत्व कम करना होगा। आज अगर महाराष्ट्र में एक बच्चा पढ़ रहा है तो वो शायद मराठी, इंग्लिश और हिंदी जानता हो। अब इन 3 भाषाओं के अलावा संस्कृत के लिए कहाँ जगह है? पर अगर हमने ये डिसाइड किया कि हम संस्कृत को बढ़ावा देना ही चाहते हैं, तो उस चीज को करने के लिए हमें भेदभाव हटाना होगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो कोई गारंटी नहीं है कि मत्तूर के गाँव में भी लोग संस्कृत बोलेंगे। क्योंकि हम जैसे देख सकते हैं कि वो कम्युनिटी संस्कृत बोल तो रही है, पर उस चीज के लिए उधर के लोगों को ये भी बताया जा रहा है कि वो किनसे शादी कर सकते हैं,
और किनसे नहीं। आप क्या मानते हैं? होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम भी ग्रो कर सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा, जहाँ हम बात करते हरप्पन सिविलाइजेशन की, कि क्या वो लोग संस्कृत जैसी भाषा बोलते थे या फिर तमिल जैसी। तो इस वीडियो को जरूर देखिए और कुकू FM ऐप को भी चेकआउट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है।